बैटरी वैटरी फर्स्ट क्लास चेंज कर लिए, पानी वानी भी सब चेंज कर लिए, पानी कम था डाल दिए, हो गया हमारा सब कुछ, बैटरी भी हो गया। हम थोड़ा नहा लिए, पूरा गंदा हो गया था यहाँ पे, बैटरी चेंज किया, पूरा खाना होना पड़ा, पूरा गंदा हो गया, नहा भी लिए। अब यहाँ से हम चिकन ले लिए हैं, अभी उर्वा मोड़ से निकल रहे हैं, तो अभी जाते हैं घर बनाते हैं। अगर हमारा टाइम मिले तो हम खुद बनाएंगे, तो फिर घर वाला ही कोई बनाएगा। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। अक्सर ये पेस्ट हम डालते नहीं हैं, ये लग रहा है कि मिक्सचर मशीन में ये पेस्ट डलाया हुआ है, इसलिए हमारा चिकन का रंग ही कुछ अलग है। हमको नहीं लग रहा कि हमारा चिकन उससे बढ़िया बनेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। फिर से पिछला ब्लॉग में देखा था कि लोड करके हम दुर्गापुर से निकल गए थे, तो चिकुंडा पाउडर पार करके हम टोनी बाबू दे दिए थे, अभी तो लेकर आया है। तो अभी हम परसों से पीछे हैं, नागरी पार किए हैं, तो यहाँ पे रुके थे फ्रेश वेश होने के लिए। देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि झारखंड में हर जगह बगल में झंडा झाड़ उड़ मिल करता है, जंगल झाड़, तो यहीं पे रुकल थे। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं, पाँचमाधो में थोड़ा काम कराना है हमारा बैटरी का, थोड़ा हमारा बैटरी थोड़ा कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर हुआ नहीं है, लगभग साल भर हो गया लगाया ना, तो इसमें पानी नहीं चेक नहीं किए, और ना ही इसमें हम महीना पाया पल्टी किया जाता है, 3 महीना 6 महीना में कर देना चाहिए, अभी तक हम किए नहीं। तो अभी जाएंगे यहाँ पे और बैटरी को हम एक्सचेंज करेंगे और थोड़ा पानी चेक कर लेंगे, क्या कि अब गर्मी के दिन में हमको पंखा बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है, तो हमको पंखा में दिक्कत करता है, बैटरी हमारा थोड़ा डाउन होता है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और जाते हैं पद्मादो, पहले हम ये काम करवाते हैं आज, ताकि आज तो हम दिनों फ्री ही रहेंगे, तो अब जो भी छोटा मोटा काम है गाड़ी का, वो गाड़ी का हम काम करा लेते हैं, ताकि विश्वास हम कोई दिक्कत ना हो। तो अभी जा रहे हैं, कुछ कुछ जो छोटा मोटा काम है वो हम कराते हैं। अभी परसोत में रुके हुए हैं, थोड़ा गैस भरा लेते हैं, क्योंकि हमारा गैस दुर्गापुर में ख़त्म हो गया था, उसके बाद खाना बनाने में दिक्कत हुआ था, क्योंकि यहाँ सामने में गैस सब कुछ भराता है, यहाँ पर गैस भरा लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। एक बैटरी खोल के नीचे रख दिए हैं और दूसरा निकाल रहे हैं, निकल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बैटरी एक्सचेंज भी कर लेंगे और थोड़ा पानी उन्हें भी चेक कर लेंगे। देखिए बहुत सकेत में रहता है, बैटरी थोड़ा बड़ा है, पहले था कि मेरा गाड़ी में ये जो बैटरी था 120 एम्पियर का, फिर हमने 150 एम्पियर के लिया, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, हमको लगा कि 150 एम्पियर का है, फिर खोल के पुराना चेक किए तो फिर पता चला कि 120 का है, इसीलिए हमारा थोड़ा बैटरी बड़ा हो गया, निकालने में दिक्कत होता है लेकिन निकल जाता है। बैटरी वैटरी फर्स्ट क्लास चेंज कर लिए, पानी वानी भी सब चेंज कर लिए, पानी कम था डाल दिए, हो गया हमारा सब कुछ, बैटरी भी हो गया, हम थोड़ा नहा लिए, पूरा गंदा हो गया था यहाँ पे, बैटरी चेंज किया, पूरा खाना होना पड़ा, पूरा गंदा हो गया, नहा भी लिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, अब हमारा यहाँ पे काम हो गया, अब डालते हैं घर। अभी हम होटल पहुँच चुके हैं और गाड़ी साइड में लगा दिए हैं और अभी घर जा रहे हैं। अभी टायर भी एक्सचेंज करना है, दाहिना बायां थोड़ा दबा रहा है, तो अभी चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे शाम को आगे, कभी धूप बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम पहले घर जाते हैं, जो हम शाम को आएंगे उसके बाद टायर थोड़ा देना बाया करेंगे। शाम का 4 बज गया दोस्तों, और अभी हम पहुंच चुके हैं उर्मा मोड़, आए थे चाउमीन उमिन खाने के लिए, तो भैया फ़ोन किए हैं कि लेते आओ चिकन, बोल चिकन आया है तो चिकन खिला के जाओ, तो ठीक है आए हैं। तो देखिए यहाँ चिकन सेंटर आए हैं, तो अभी चिकन कटवा रहे हैं, और आज हमारा खाना जो रहेगा वो चिकन रहेगा, तो अभी चिकन कटवाते हैं, हम चाउमीन में तो खा लिए, चिकन ले लिए हैं, अभी उर्वा मोड़ से निकल रहे हैं, तो अभी जाते हैं घर बनाते हैं, अगर हमारा टाइम मिले तो हम खुद बनाएंगे, या तो फिर घर वाला ही कोई बनाएगा। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, हम तो मैं हमारे दोस्त के साथ चल गए थे घूमने के लिए, तो हम चिकन खुद से बना नहीं पाए, तो घर में आए तो अभी चिकन बन रहा था, तो देखिए हम चिकन ट्राई कर रहे हैं कि कैसा बना है, सो देखिए हमारा चिकन बन रहा है यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अक्सर ये पेस्ट हम डालते नहीं हैं, ये लग रहा है कि मिक्सचर मशीन में ये पेस्ट डलाया हुआ है, इसलिए हमारा चिकन का रंग ही कुछ अलग है, हमको नहीं लग रहा कि हमारा चिकन उससे बढ़िया बनेगा। हमारा खाना आ चुका है, देखिए चिकन और रोटी भी है और चावल,
तो अभी हम खाना खा रहे हैं, देखते हैं कैसा बना। बढ़िया है। रात का 10 बज गया दोस्तों और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। कल का ब्लॉग रहेगा क्योंकि कल हम सुबह निकलेंगे तो वही ब्लॉग बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।